दबाते ही आपको समझ में आ गए होंगे। आप देख रहे हो जो ये झटका मार रहा है, यानी ये 60 सेकंड यानी 2 सेकंड का ये वीडियो है, तो 2 सेकंड के अंदर जितना तक हो रहा है वो उतना तक ले रहा है। इसके बाद ये खुद ब खुद फिर शुरुआत से चालू हो जाता है इसका। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम देख रहे हैं क्लास नंबर 4। आशा करता हूँ आपने क्लास 2 या 3 ठीक से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर आप क्लास 2 या 3 नहीं देखे हो तो प्लीज आप क्लास 2 या 3 देखें, इसके बाद आप क्लास नंबर 4 देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम एनिमेशन कैसे करेंगे? ये टाइम फ्रेम्स है। 1 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए हमें 30 फ्रेमों में काम करना होगा, यानी 10 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए हमें 300 फ्रेम की जरूरत होगा। सिंबल के बारे में अगले वीडियो में बताया गया था, और ये शॉर्टकट की है F8। कीपैड के ऊपर तरफ होगा F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, तो इनमें से F8 को एक बार क्लिक करना है तब के सिंबल बन जाएंगे। कैसे बनाना है आपको तीसरे नंबर क्लास में बताया गया। टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम इसे कहते हैं टाइम फ्रेम। ये जो आप देख रहे हो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये सब टाइम फ्रेम है। इसको टाइम फ्रेम को शॉर्टकट की है F5, या आप पीछे क्लिक करके भी, आप माउस की राइट तरफ क्लिक करके भी, इंसर्ट फ्रेम में क्लिक करके आपका फ्रेम भर जाएगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कैसे सिंबल बनाना है, इस वीडियो में बताएंगे टाइम फ्रेम कैसे बनाना है, कैसे की फ्रेम लगाना है, कैसे एनिमेशन करना है, ये सब। और की फ्रेम शॉर्टकट की है, की फ्रेम लगाने के लिए F6 की जरूरत पड़ेगा। ये छोटा सा जो निशान है इसे कहते हैं की फ्रेम, ये होता है टाइम को बढ़ाने के लिए। की फ्रेम होता है मूव करने के लिए, कोई भी चीज आगे पीछे। चलिए हम इसे F6 करते हैं, बा हम माउस के राइट तरफ क्लिक करेंगे और यह इंसर्ट की फ्रेम पे क्लिक करेंगे, तो यह क्लिक करते ही आप देख पाओगे कि इसको हमें माउस को यहाँ से सिर्फ इसको क्लिक करके लेफ्ट तरफ इसको यहाँ छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यह अब आगे पीछे होता रहेगा। देखिए कैसे ये आगे पीछे हो रहा है, इसको खुद ब खुद वो कंट्रोल इंटर दबाते ही ये खुद ब खुद चलेंगे, या वीडियो में भी ये खुद ब खुद चलेंगे आगे, लेफ्ट राइट होंगे। तो इसके लिए जब आप की फ्रेम बनाओगे तो की फ्रेम पे ये टिक, ये जो एरो है इसको यही रखना है जहां आप एनिमेशन करवाओगे। तो हमने 30 तक करवाया, इसके लिए हमें ये आप देख रहे हो आगे पीछे किस हिसाब से हो रहा है, इसको हमें अब हमें क्लासिक ट्विन लगाना होगा। क्रिएट क्लासिक ट्विन, आप माउस की राइट तरफ एक बार क्लिक करोगे, इसके बाद आपको क्लासिक ट्विन मिल जाएंगे। क्लासिक ट्विन जब हम क्लिक करेंगे तब देख रहे हो चाहिए ऑटोमेटिकली इधर से उधर जा रहे होंगे। जब आप कंट्रोल इंटर दबा दोगे तो आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, पूरा डिस्प्ले के अंदर आप देख रहे हो किस हिसाब से जा रहा है, खुद ब खुद ये एनिमेशन हो रहा है। अब आप सोच रहे हो इसको पीछे करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पीछे एनिमेट का कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ आके ब्लैक जगह में आपको 2 बार क्लिक करना है, इसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है, इनटू पे क्लिक करते ही आप देख लिया आपका एनिमेशन खुद ब खुद हो रहा है। अब और भी आप चाहते हो जो हम पीछे भी और भी एनिमेशन करें, आगे इसके बाद हम नीचे एनिमेशन करेंगे, तो आपको यहाँ क्लिक करना है और राइट तरफ
आपको F5 में कीपैड से F5 क्लिक कर दिया। F5 क्लिक करते ही हमें अब सिंबल की जरूरत होंगे तो हमें की फ्रेम की जरूरत होंगे तो हमने की फ्रेम में क्लिक कर दिया। तो की फ्रेम क्लिक करते ही इसको हमने थोड़ा यहाँ नीचे कर दिया और इसके बाद हम क्लासिक्स ट्विन को फिर लगा दिया। तो आप देख रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिकली अब किस हिसाब से की फ्रेम हो रहा है। कंट्रोल इंटर दबाते ही आपको समझ में आ गए होंगे। आप देख रहे हो जो ये झटका मार रहा है, यानी ये 60 सेकंड यानी 2 सेकंड का ये वीडियो है। तो 2 सेकंड के अंदर जितना तक हो रहा है वो उतना तक ले रहा है। इसके बाद ये खुद ब खुद फिर शुरुआत से चालू हो जाता है। इसके बाद आपको और भी आप सोच रहे हो टाइम आपको एक ही बार में बढ़ा देना है 4 सेकंड के, मान लीजिए आप 120 तक आप लेके जाओगे और यहाँ आपने कीबोर्ड से F6 क्लिक कर दिया और यहाँ आपने नीचे कर दिया तो आपको ये स्लो मूव होंगे। क्लासिक स्ट्रीन लगाने के बाद आप क्लासिक इंटर दबाते हैं, आप देख सकते हो किस हिसाब से स्लो मूव हो रहा है। आपने इतना अगर सीख लिया तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएंगी। ये बेसिक सी चीज थे, ये हमें जरूरी था सीखने का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।